नंबर फोर कहते हैं हाँ हाँ नंबर फोर नंबर फोर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सांगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सांगे कौन अलजेब्रिक फंक्शन फोर डबल आई फोर भी एडिटर और देखो फोर डबल आई देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स फोर डबल आई सुनो एबे ये सीधा जदि मु पकाउ छी गोटे अपागिया फॉर्मूला रे पहुंचिबा जो फॉर्मूला टिके आ पर जस्ट पढ़िला तणु मु एटा को कोन करबी सब्स्टिट्यूशन करके उल्टा कर देबी उल्टा कर देबी मिलसी Let sin inverse x equal to change kori kore theta tale x equal to sin theta dx equal to cos theta d theta x jagare kete lekhibi sin theta sin inverse x jagare lekhibi kete थीटा dx जाय के लेखि cos थीटा d थीटा तो हम काहे कोलेनी सीधा बाईपास पकेलेनी सीधा बाईपास पकेले a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर ऊपर थाई एउटा फार्मूला टा आछो तळे थाई के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर थाई के हम फार्मूला जानि छे केते ना sin इनवर्स xy किंतु ऊपर थाई के बोले साइन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स एति कि रहिबो ता इंटीग्रेशन एबे करबा आगु 6 7 8 गुडा कसो एमिता पर तनु एटा हम चेंज कर दे वर्तमान को करबी हाफ वि भीतर जे बाहर जे कि थीटा एटा को साइन 2 थीटा कर दे केनी साइन ए बस रहि गेला 2 देले साइन 2 थीटा वर्तमान बाय पास कर थीटा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन एवं टोटल का इंटीग्रेशन हाफ थीटा साइन 2 थीटा का माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा का डेरिवेटिव वाला ए डी थीटा डेरिवेटिव वाला एटा का माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा पूर्ण बोले थीटा वाला तले माइनस थीटा बाय 4 cos 2 थीटा माइनस बेटा cos है ये हाफ टाइम दे दे ये तो बेटा हाफ करो हाफ टाइम याद है याद तीन जोड़ जाएंगे मल्टीप्लाई तो लो cos 1 बाय 4 cos 2 थीटा लो 1 बाय 2 sin 2 थीटा cos वर्तमान कथा होती है जब हम पूर्ण थीटा को चेंज करूं चेंज करूं माने माइनस 1 बाय 4 मु एक्स टा जाके जे तो साइन थीटा cos 2 थीटा रो साइन के फार्मूला खाली पके दी थीटा रहला cos 2 थीटा रो साइन फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 8 sin 2 थीटा है जो sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर प्लस होला माइनस 1 बाय 4 इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोले 2 स्क्वायर इनटू थीटा बोले
sin inverse x cos 2 कोटि की 1 by 4 sin theta ला x 1 minus x square root over cos theta आवांच बुझेला है अगो एटा को चेंज कर देली x टा को हो गेला जते sin theta कारण sin inverse x sin inverse x theta लेली तो x हला sin theta sin inverse x हला theta dx हला cos theta d theta तो वही रेन करया था कर ली माने एटा फार्मूला पडे बेटा जोडे रहि जउ त हाफ दे कि 2 गुण करे 2 sin inverse हला sin theta मतलब जोडे आइसला को बाईपास को बाईपास को करले sin theta अगर आसो एटा को चेंज कर दो कोठी कि x हला हले हे बाबा समस्त बुझिलो इज्जुअल क्लियर आसुनी आ समस्त ग्राफ चतुर्भुज दे के आथर लगा हला ले भेले नाही बरा मना गली प्रथम रु मना गली जे तमे एमिते आउटे फार्मूला को फेस करिवो जो फार्मूला तुमको आगु को पढिया पछि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओटा आसे भारी एथे गला तापरे भीटा बचल x स्क्वायर tan इनवर्स है तान नंबर भी x स्क्वायर tan इनवर्स है एटे सीधा tan inverse x बाहर गला x स्क्वायर अल्टरेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x x स्क्वायर अल्टरेशन टोटल रो इंटीग्रेशन tan inverse x x स्क्वायर वाला x क्यूब का है एटा 1 by 1 plus x स्क्वायर एटा x क्यूब का है ओनली x अले x क्यूब बाय 3 अगर रख ली tan inverse x माइनस 1 बाय 3 x क्यूब बाय 1 प्लस x स्क्वायर सीधा सीधा पड़ेगा x क्यूब बाय 3 tan inverse x माइनस 1 बाय 3 और सेकंड पार्ट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t तब 2x dx इक्वल में तो 18 तब ऊपर है x स्क्वायर अच्छे इनटू x अच्छे x स्क्वायर जगह लेकिन t माइनस 1 अब x dx जगह लेकिन हाफ लेंगे बाय ये जगह लेंगे मार्क करो कहाँ लग एटे x क्यूब अच्छे लेट नॉन नहीं की जति करी चु एमितिया फॉर्मेट मिली थी वो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर भारी बनी की चला अरे एक बार इंदौर स्टेप पूछ लो एटे 1 प्लस x स्क्वायर को नहीं करती काही का डेरिवेटिव a से पड़ जो है x dx है सिर्फ आउ x स्क्वायर जगह रिटर्न्स करी t माइनस 1 ना कर दो तापरे x cube by 3 tan inverse x
ये हाफ लाने की 1 by 6 कर देले एटा इंडिविजुअल डिवाइड कर देले 1 minus 1 by 3 dt एले x cube y 3 यानि inverse x minus 1 एला dt dt लोला t d by 6 minus minus plus एटा 1 by 6 long d cos इक्वल टू आंसर हो तारे कितने x cube y 3 यानि inverse x minus t जाला 1 plus x square by 6 plus 1 by 6 ln 1 plus x square plus c आंसर इतनी क्या बोले तो ला बुझे ला इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर dx या फार्मूला होची xy to 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर प्लस 1/2 sin इनवर्स x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर फिफ्थ स्टेप में इटा इटा एक्स क्यूब बाय थ्री वाला टैन इनवर्स एक्स वाला और इटा किन टेंशन को पढ़ते चुनो इटे एक्स क्यूब हो ची एक्स स्क्वायर इनटू एक्स मु वन प्लस एक्स स्क्वायर तो नोटा तुमने क्यों लिखा था टी तले एक्स स्क्वायर के तले टी माइनस वन ऊपर x square into x अच्छे x square का रे t minus one हो गयी बाकी x t x का रे इसका हो गयी half t हो गयी one plus x square का रे हो गयी t आप रे one by three तो इला इटा ऐसे की one by six है का t minus one by t इटा को individual divide कर देते हैं one minus one by t dt चला x cube by three tan inverse x है one by six one into t dt 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 का रिलेशन अलग t कम t by six माइनस माइनस प्लस 1 बाय 6 1 बाय 3 रो हो लॉन्ग भी तो कहा है ना तबरे हला एमडी पाई थिलु भलो कथा सुनो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गुडा करो इंटीग्रेशन कोला बेले मन करो सिंपल जिंस जदि तीटा फंक्शन भीतर कांस्टेंट डिफरेंस रहिबो तेतले फंक्शन जोटा लिखले चलिबो बोले केमि दिया मु मोहर मोहर कहू छी मो कथा को भलो के मार्क कर के बुझि पारे बोले सुनो मन करो तुमको पचार छी sec स्क्वायर x * tan x रो इंटीग्रेशन सुबिला कोन कहली sec स्क्वायर x * tan x रो इंटीग्रेशन जणे चिंता करियो को tan x रो डेरिवेटिव जे हेतु sec स्क्वायर x से tan x को मन करो t नै गला tan x को t नै गला परे ता डिफरेंशियल हो sec स्क्वायर x dx इक्वल केते हला dt तले तमरो जो रही छि sec स्क्वायर x tan x dx sec स्क्वायर x dx जगह रे पड़ी गला dt tan x जगह रे पड़ला t t dt dt रो इंटीग्रेशन केते हो t स्क्वायर / 2 प्लस कांस्टेंट तले तहला tan स्क्वायर x / 2 प्लस कांस्टेंट रहला त केता आंसर आसलाटा tan स्क्वायर x / 2 प्लस c बस आउ जण कहबो पुनी आउ थरे मुळ कुळेबी sec स्क्वायर x * tan x जण कहबो मु sec x रखबी आउ sec x को tan x को होणी करबी माने sec स्क्वायर x अछि आउ tan x अछि sec x गोटे रखी की बाकी sec x tan x गुंचे देला sec x को वर्तन t नै गला तले sec x को t नै ले ता डिफरेंशियल हो sec x tan x dx तले sec x tan x dx हैला dt sec x हैला t तले t dt केतला है t स्क्वायर / 2 प्लस कांस्टेंट एटे t स्क्वायर हैला केते sec स्क्वायर x / 2 प्लस कांस्टेंट तले जणो उरो बाहला tan स्क्वायर x / 2 प्लस कांस्टेंट आ गोटे हैला sec स्क्वायर x / 2 प्लस कांस्टेंट तमो जीटा आंसर तो अलग आइला तले केमते हो ना sec स्क्वायर और tan स्क्वायर भीतर डिफरेंस होछ कांस्टेंट डिफरेंस बोले sec स्क्वायर x ता होछ 1 + tan स्क्वायर x
बा tan स्क्वायर x ना होची sec स्क्वायर x माइनस 1 ताले हे जो कांस्टेंट आडा सी सागर घणी हो गेलो मुक्ति पाई गेलो कि जो सुविधा तम tan स्क्वायर x 2 आसी आंसर चलिबो sec स्क्वायर x 2 आसी ओमे तो आंसर चलिबो हां हो बर्तन देखो सीधा बाईपास पकेले किछि प्रॉब्लम बाहरि परबो ना माने केमिता कथा वर्तमान सुधा हमें चारि प्रकार कथा देखिले जे अलजेब्रिक फंक्शन संगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक संगे एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक संगे लॉगरिथम एवं अलजेब्रिक संगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पके देखिले बुझेला तातो इथे अलजेब्रिक फंक्शन हो कि जा हो थोर एटा बाईपास करला पोर से माने परस्पर को हेल्प कला हाले कंडीशन रे को पहुंच जाउछ तनो इटरेशन सॉरी आउछ किंतु एमबीटी किछि फंक्शन अछि घणी हे कि आसीबे से मान को बाईपास पकेले जत्ते थरो पकेले मते से परस्पर को हेल्प करिवेनि तथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन संगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जति घणी करियो बुझेला ताले इमिडिया परिस्थिति हो बोले मन कर दे छी e टू द पावर 2x आउ cos 3x रो इंटीग्रेशन बाहर हला मन कर देला e टू द पावर 2x इनटू cos 3x e टू द पावर 2x इनटू cos 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेशन करले से हे एक्सपोनेंशियल रहि जो लॉगरिथम फंक्शन हे कि 1 बाय हे कि पळे आसी सुंदर क्या ln x डेरिवेटिव करू 1 by x आउ ln 1 9 नो टेंशन किंतु e टू द पावर 2x में इंटीग्रेशन करले हे e टू द पावर 2x आस्तो sin को करले sin रु cos cos रु sin खाली उल्टो पल्टो होतो ता अर्थ तमे एमिते इंटीग्रेशन करि चालतिर बाय पार्ट्स पके के हिन चालितो पछे बुढा हे जो किंतु सॉरी बुझेला ना ताबे अलग व्यवस्था करियो पड़ो कोन अलग व्यवस्था दे Let I equal to e to the power x 2x cos 3x dx. मने यहाँ integral लाला मतलब आया। हमें integral बाहर कर चुका। बोलो क्या मार्क करो। e to the power 2x cos 3x ये तारो integration का result तो कितने दो ची? हमें जाने को unknowingly नलो आया। ना ताल चालू है। बर्तन डाहन बोलो का नाम कोई बात है यू विल डू ही फॉर्मूला अच्छी एक्सपोनेंशियल अच्छी ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छी बाईपास को के लावे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर हुआ है एंड आई गेट ऑन सर टी पर ई एफ तो cos 3x बाहर हुआ है ला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x ए टोटल प्रोडक्ट को आउटर इंटीग्रेशन cos 3x e टू द पावर 2x ना 1 बाय 2 e टू द पावर 2x माइनस cos 3x cos समथिंग रहला माइनस sin समथिंग एवं समथिंग रहला 3 e टू द पावर 2x रो 1 बाय 2 e टू द पावर 2x ताले e to the power 2x by 2 into cos 3x minus minus of plus है का 3 by 2 बाहर को आ गया e to the power 2x sin 3x dx कोई कोई ना तो इंटीग्रेशन में रही होगा
e to the power 2x by 2 cos 3x plus 3 by 2 या कथा पुनः थोड़ा बुझवा पाई पड़ सके sin 3x बाहर को बाहला e to the power 2x of integration minus derivative of sin 3x e to the power 2x of integration total of पुनः थोड़ा integration e to the power 2x by 2 cos 3x plus 3 by 2 eta sin 3x e to the power 2x lala 1 by 2 e to the power 2x minus 3 by 2 tau eta pahunche sin 3x ro derivative keta ho cos 3x into 3x ro 3 eta ro kete 1 by 2 e to the power 2x total of integration equal to e to the power 2x by 2 cos 3x plus 3 e to the power 2x by 4 can you 3 by 2 1 by 2 3 by 4 e to the 2x now 3 e to the 2x by 4 into sin 3x minus 9 by 4 e to the power 2x cos 3x dx समझे सलो 3 by 2 ये 3 by 2 कदर 9 by 4 e to the power 2x cos 3x that implies I equal to ये जितना कौन कौन मिली e to the power 2x कौन मिली तले 2 अच्छी 4 अच्छी 4 का मन नहीं तले एक ना वो 2 cos 3x एक ना वो 3 sin 3x अरे 2 4 4 का मन नहीं ये एक्स्ट्रा टूटा दे 2 की तो तो एक्स्ट्रा पड़े 2 cos 3x 4 पड़े जी ना पड़े खाली 3 sin 3x माइनस 9 by 4 ये की ये हो ची ये I तो जो है कि I ए 9 by 4 है पूरा सिंग मिसिंग होगा I plus 9 by 4 I equal to e to the power 2x by 4 2 plus 3x plus 3 sin 3x यदि क्या इसमें 4 I 9 I 13 I by 4 equal to e to the power 2x by 4 2 cos 3x plus 3 sin 3x jadi kya sir that implies I equal to tahale keta hobo b equal to 4 kotila 13 ta ulai hobo e to the power 2x by 13 into 2 cos 3x plus 3 sin 3x তাহলে আই এটি কি বাহা আই বলে কি না এটা কোন তার তো ইয়া ইন্টিগ্রেশন আছে কি এটা কথা রাখা 10 ইন্টিগ্রেশন অফ e টু দা পাওয়ার 2x cos 3x dx ইকুয়াল টু e টু দা পাওয়ার 2x বাই 13 2 cos 3x 3 sin 3x cos एमिता क्वेश्चन पर वो क्वेश्चन बोले 6 मार्क है तले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन संग रे एक्सपोनेंशियल थिले सीधा करिवो नाही एटा को आई नहीं की सीधा सीधा जीवो पुनी आई पे पारिवो मित्र समथिंग इनटू आई नले खाली आई एपडा सिंग मिसि की 2 आई होतो कि नले 3 आई होतो থাকিনে আইলাই ফোর আসলে আইতে হবো এই আইটা বাহারিব আই বলে যোটা কি না যে ইন্টিগ্রালটা বাহার করে যাওতো সি বুঝলা তাহলে নম্বর 5 এর সব কোশ্চেনটা এমিতে তুমি করিব নহলে পচারিব ওকে
लास्ट 5 लाइन ही रह रही सूर्य नारायण शेष 5 जगह लाइन ए पर्यंत पहुंच गेला बरे आई इक्वल टू एति के नै की एटा को आगे आगे नै जाएगी एते पहुंचे अर्थ आई इक्वल टू एति पाई एते जो पाई एटा पूर्ण थोर रिपीट हेला जोटा आई नै थ्रू हे आई हेला त 9/4 रहला एटा त आई नै हे एई 9/4 आटा को आर पास को पहुंच गेलो आई पर लेफ्ट ले जो आई छ त आई प्लस 9/4 इटू आई होला राइट साइड रे एति बाहर छ ए टू आई टा क्लियर करबा बाकी जहा संख्या टा बोले तले आई पाइले ना आई बोले कि ना ए इंटीग्रल ता तो इंटीग्रेशन में टा के बोली बार ले बुझेला हो ताले नंबर 5 कर करबो 6 7 8 एटा गुटे प्रकार तमे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म रो सातटा फार्मूला पढिलो एते बळे काय पचालो नि जे जे तळे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर थाई की फार्मूला लिखिले हला खाली a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तळे थाई की तार फार्मूला लिखिले किंतु a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दा ऊपर थाई की काय फार्मूला में लिखले नाही बोले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर इंटीग्रेशन करतो एही फॉर्म रे नंबर 6 रो सब जगह प्रॉब्लम अछि ताले एही फॉर्म रे थिले इंटीग्रेशन केमिति करबे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर dx ना एठे मद i यूज हो बुझला फार्मूला पकेबो पर जतो इंटीग्रल कैलकुलस रो एप्लीकेशन पे दरकार हो तो मतल पके एपे किंतु एमिते आइटा पके दे कि पचार दबो बोले एटा लॉकस कि चारि मारि पके देले तमे आ फार्मूला ना डायरेक्ट पके देबो डायरेक्ट के आ फार्मूला डायरेक्ट पके तो एक मारि के आबो नि पड़े तो एटा को इंटीग्रेशन डायरेक्ट पके बोले जदी करो बोले बाहर करो चारि मारि गया तले आई नै दि करबो बोले एटा इंटीग्रेशन करता हो लेट I equal to integration a square minus a square root over dx. बर्तन करिबा त कहो एथे तो u v फंक्शन किछ नाही फेस करिछु नाही वेरी गुड ताले भलो मन जानु नि सब ना रे अच्छा एठे u into v फॉर्म तो नाही ताले u फंक्शन कहा गुणबा एठे निजे जुडा बाहर करी होनी सी चलला बाहर बोले a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर ला बाहर होती की dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर इंटीग्रेशन dx टोटल प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर dx वाला x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ समथिंग 1/2 रूट ओवर ऑफ दैट समथिंग इनटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर माइनस 2x dx वाला x पुनि dx एटा हैला x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर माइनस माइनस ऑफ प्लस होएगा 2 को कटियोला ऊपर रहला x स्क्वायर तळे रहला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ऊपर a स्क्वायर हां ठीक है वर्तमान देखो एते गोटा एडजस्टमेंट अछि
x square jagare mu lekhi paribi a square minus a square minus x square mu I nei ki korichi artho निश्चित तो राइट साइड ने लास्ट को उठे आई तो और उठे पाई नल आई नंबर किच माने ना अंदर सीधा कर पुगे था आई ने की कौन सा अर्थ आई पे अशुद्ध हो पुगे भीतर बुझे ला तले एक्स स्क्वायर जगह ने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मनोबाव भी बोले कितने की देखो एक्स स्क्वायर हो चुना ना नला इक्वल टू तले आई इक्वल टू बैठे चल ची आई इक्वल होती है ना x into a square minus a square root over plus eta individual divide kale a square by a square minus a square root over dx gote kotha asibo eta eta divide kar dele a square minus a square root over dx eta gote kotha asibo eta ki agar divide kar eta paibe eta ki agar divide kale mane a by root over upar rahibo root over अगर रूट ओवर डायरेक्ट मतलब उत्तर लगो एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट ओवर यदि दैट इज आई इक्वल टू एक्स एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट ओवर प्लस एस स्क्वायर का बाहर बोले डीएक्स बाय एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट ओवर फार्मूला में जाने की कहते ना साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस ए ए रे ना इटा पर आई दे जा ना एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट ओवर ए आई का को बस कहते हला 2y डान पुट रहला x a square minus a square root over plus a square sin inverse x by a तले i equal to कितने हला ना x by 2 a square minus a square root over plus a square by 2 sin inverse x by a that is integration of a square minus a square root over equal to कितने हला ना x by 2 a square minus a square root over cos a square by 2 sin inverse x by a cos constant pore eita ko formula hisab re use karibo bujhela tenu number 6 ro sabu question ra emitiya jodi sidha na thoi ji tale ei form ko bhid ke ani ki pokeibo ta pore by parts pokeibo ai nai ki pratham ro sidha ki thoi nathibo 6 नंबर आई ता सीधा थोची कर देबो डबल आई ता हिंदी सीधा आछ किंतु ट्रिपल आई ता देखो एटे चेंज करियो पडुछ हां एटा आउ दिटा को फॉर्म कहिन था कि नंबर 6 हला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर फॉर्म नंबर 6 नंबर 7 टा तुम फेस करबो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर इंटीग्रेशन को एटा को मधे आई ने की करबो नंबर 8 टा को फेस करबो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर dx को बुझेला तेनु तमे 5 6 7 8 करि सालला पोरे तापर आगु बुझबा नंबर 5678 पूरे 25 लाख नो क्वेश्चन होबो हम फार्मूला निजे बनना हबो एबे किंतु हेटा को आई नै की करिया को पड़िबो तापरे एटा को फार्मूला करे डायरेक्ट यूज करिवो पोरे जते आहुरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उडा जते करिवो सेतळे एमति बाटरे पड़िबो जते बेले आ ता में उडा को अलग कसिबो कि पुनी आई नै की सेतळे फार्मूला नो पुके दो करी पारी बताऊँ रेडी हो
आउ गो प्रॉब्लम देखो माने मु x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म रे गो करबी जे आ डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर डायरेक्ट पके देबी मु ताकू अड़वा करके देबी तापर सब्स्टिट्यूशन करके हे फॉर्म को आनी तापर करबी मनोहर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 3 लो रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 3 लो रूट ऑफ कौन करबा ना सेक्स स्क्वायर का काट के बेटी ना tan ना tan नहीं ना करे दो tan एटा को tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोले tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 होइबो हला वर्तमान मु tan थीटा के जेबी मन करो q ताले sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल के दो d ताले sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा जगह पर पड़ला केते d u एटा हला केते u स्क्वायर प्लस 4 एटा सेक 7 नंबर क्वेश्चन है हिदार ऊपर एई जे पहुंचिला पर एटू आरंभ करू लेट i इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 4 रो रूट ओवर लो इंटीग्रेशन એટલે u स्क्वायर प्लस 4 का बाहर को आसीला इंटीग्रेशन ऑफ du माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कहां रो u स्क्वायर प्लस 4 इनटू du टोटल रो पुनी थरे इंटीग्रेशन u स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ एटा हेला u माइनस रूट ऑफ रो समथिंग हेला आइते 1 by 2 root over of that something is root over u square plus 4 is equal to 2u du is equal to u du then u square plus 4 root over minus 8 root 2 root over u square u square plus 4 root over du बुझेला तापर कोन करबी एटा u u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर माइनस u स्क्वायर बदल रे एटा एडजस्टमेंट हो u स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बाय u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर d इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर माइनस एटा एटा जदी कपिला ऊपर रहयो u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर 2d प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बाय 4 टा बाहर हो du बाय u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर बुझेला दैट इंप्लाइज i इक्वल टू केते हला ना u इनटू u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर प्लस 4 एटा पछु रखे एटा रे इंटीग्रेशन केते हो एटा रे इंटीग्रेशन फार्मूला छ dx / x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना ln x प्लस ओले u प्लस u स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर माइनस i ए आई का पक्ष में आई आई ए पुट का सिला कितना लगा 2 y u into u square plus 4 root over plus 4 ln u plus u square plus 4 root over that implies i equal to कितना होगा u by 2 u square plus 4 root over plus 2 ln u plus u square plus 4 root over एटा हला ता फार्मूला दैट इज आई बोले किए ना ये बीटा बोले किए ना ये एटा पके देबी सीधा
that is integration of c square theta into c square plus 3 root over d theta equal to kete hela kete hela na u by 2 u boleh kaha kone aji tan theta by 2 into tan square theta plus 4 root over plus 2 long tan theta plus tan square theta plus 4 root over plus তাহলে এটা এই রূপক নেই কি তারপরে ওকে এটা 7 নম্বর क्वेश्चन আমি দিয়া মানে এটা মু আও দিয়া কোনটা বলি কি ডাইরেক্ট a স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার ফর্ম থই নতলা a স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার রুট ওভার ডাইরেক্ট থই নতলা এপড় সেপড় করা হইতলা তেনু আগো সাবস্টিটিউট করি কি এই রূপক আনিম তারপরে এই রূপটা কো আই নেই কি তারপরে জিতি করিয়া কথা কর नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 सेमिते हेटे उल्टा आसु x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म आसु हला बस एते करि सारो तापर करियो आउ को कहू जो आज एति के ना आउ पढे बोलि आउ पढेले हजम होव ने एते गुडो करले तमे टिकि टिकि पिला उठा को एते करू केंदे जतिक करिया कथा करू मरे तला आज जा पंडो सब बुझिलो नु निश्चित तो ट्राई करू एबे सबु निजे लागी के करिवो कारण फेस टू फेस केबे तमरो क्लास पास होबो बुझला एटा ठीक ठिकाना नाही हां हम बोल सोला तो हेतो टाइम